गाजीपुर बॉर्डर पर 15 दिसंबर से किसान हटेंगे। किसानों के हटने के बाद लोगों को आने जाने में मिलेगी राहत। अभी बॉर्डर पर किसान मौजूद। गढ़कड़ूमा कोर्ट में नहीं है कड़ी सुरक्षा। वकीलों ने जाहिर की नाराजगी, बढ़ाई जाए सिक्योरिटी। गांधीनगर में पुलिस ने एटीएम क्लोनिंग करने वाले दो लोगों को पकड़ा। पुलिस ने इनके पास से 155 एटीएम कार्ड, 10,000 रुपए बरामद किए। लगभग 150 जीटीबी भास अस्पताल में शुरू हुई ओपीडी इमरजेंसी सेवा। दिखाने आ रहे मरीजों का हो रहा इलाज। पिछले दिनों डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीज थे परेशान। और दिलशाद गार्डन में सर्दी बढ़ते ही शेल्टर होम में बढ़ने लगे लोग। शेल्टर होम में व्यवस्था ठीक से न होने से लोग परेशान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ। केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों की वापस लेने के बाद किसानों में खुशी है, जिसको देखते हुए एक किसान अब बॉर्डर से अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान 15 दिसंबर से जाना शुरू होंगे। अभी वहां पर किसान डटे हुए हैं। पिछले एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, तब से किसानों का आंदोलन जारी है। ये लोग दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर को बंद करके बैठे हैं। भैया, जब से रास्ता बंद था ना, तो सब इतनी परेशानी होती थी। अगर आप साइड में रहते हो खोड़ा कॉलोनी में, तो आपको इस फ्लाईओवर को छोड़ के ना अंदर अंदर से लगभग 7 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था। 7 किलोमीटर घूमने का मतलब भैया सारी चीज़ें, टाइम बेकार, इंसान का कौन पता नहीं कैसी इमरजेंसी में। एक बार मेरी वाइफ प्रेगनेंट थी, हम डिलीवरी के लिए जा रहे थे भाई, उस टाइम ये मानो कि ऐसा लगता था मतलब जैसे दिल पर सांप चल रहे हो, समझ रहे हो, ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी। रोड खुलने की तो भैया ये मानो जितना अपना घर का दरवाज़ा खोल दिया, इतनी खुशी होती है रोड की। अब ये रास्ता यहाँ से बंद है तो मेरे को पूरा पीछे से घूम के जाना पड़ेगा। सो इट टेक्स अराउंड 2-3 किलोमीटर्स मोर देन की जो नॉर्मल मेरा रूट है। अब तो अगर मैं ऊपर से जाता तो शायद जल्दी पहुँच जाता, अब मेरे को लंबा जाना पड़ेगा, तो दिक्कत तो है। तो बड़ा परेशान हूँ, और 4 दिन आ गया, अभी 4 दिन और पेपर है लला, ये खुल जाते बहुत है बढ़िया है। नहीं कर रहे हैं लोग कि अभी ना खुलेगा, अभी तो बैठे हैं लोग, ये ठीक है, तब परेशानी नहीं होगी। वैसे बहुत परेशानी है क्योंकि वैशाली में सेंटर पड़ गया, इसीलिए अब वैसे हमको आना जाना हो तब तो इधर से भी चला जाऊं, लेकिन स्कूल इधर पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले रोहिणी कोर्ट में गोलीबारी हुई थी, जिसमें बात देखी गई थी कि कोर्ट में सुरक्षा ठीक से नहीं थी, जिस वजह से हादसा हुआ। सीसीएन के रिपोर्टर ने कड़कड़ूमा कोर्ट जाकर देखा तो वहाँ भी सिक्योरिटी ठीक नहीं थी। वकीलों का कहना है कि सिक्योरिटी ठीक से होनी चाहिए, तभी ही हम लोग इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगा सकते हैं। बैक टू बैक जो लगातार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ऐसी वारदातें हो रही हैं, इसके चलते मैं कहूंगा कि बहुत ही दुखद है कि आला कमान के सामने अब तो इतनी बड़ी बड़ी वारदातें हो गई कि कोर्ट के अंदर बंदूक चल गई, कोर्ट के अंदर लोग मर गए, उसके बावजूद भी बिल्कुल पुख्ता सिक्योरिटी के इन्होंने इंतजाम नहीं करे। कड़कड़ूमा कोर्ट के अंदर बिल्कुल ऐसा एटीट्यूड है, लेजी एटीट्यूड, कि जहां पर आप बंदूक और गोलों की बात छोड़िए, आप तोप लेके आ जाइए तब आपको कोई नहीं रोकेगा। मेटल डिटेक्टर के अंदर वो ऐसे बैठ के लिथार्जिक तरीके से मेटल डिटेक्टर को घुमाता है कि मतलब ही नहीं है कि वो डिटेक्ट कर सके कि इसके अंदर कोई बंदूक जा रही है या कोई असला जा रहा है। बिल्कुल किसी भी तरह से डिटेक्शन नहीं हो सकती। इनका एटीट्यूड जो है बहुत नेग्लिजेंट। कि जब कोई वारदात होती है तो थोड़े दिन तो हो हल्ला बचता है, सिक्योरिटी भी हो जाती है, ठीक है, और स्टिकनेस भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी जैसे ही ढील हो जाएगी नॉर्मल, फिर उसी वे में आ जाते हैं, वो सब भूल जाते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और बीच का जो अंतराल है, जो गैप है ना, उसमें लोग बड़े लीनियंट हो जाते हैं। हम वकील ही खुद ऐसा करते हैं कि चेकिंग को लेकर हम उसमें अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, जबकि वो सब चीज़ें हमारी सुरक्षा के लिए ही है। अगर हमारी चेकिंग होती है तो इससे हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। अगर पुलिस चेक भी कर रही है तो हमें चेकिंग बड़े अच्छे से और बड़े ही सरल स्वभाव से करानी चाहिए, मैं तो ये बोलूँगा, क्योंकि लोगों को ये होता है जी हम वकील हैं तो हमारी चेकिंग क्यों की जाए। कड़कड़ूमा में जहाँ तक बात की जाए सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी किसी भी तरीके से कोई भी उन्होंने कोई किसी भी प्रकार की सीख अभी तक नहीं ली है। यहाँ आज भी
अगर आप काला कोट पैंट पहन के अगर आप अंदर आना चाहें तो बेहिचक आप बेहिचक किसी के बिना रोक टोक के अंदर आ सकते हैं। आप नीचे जाके गेट पे देख सकते हैं कि कोई भी पुलिस वाला बड़े ही कैजुअल मैनर में आराम से खड़े हुए हैं, ना तो वो किसी प्रकार की चेकिंग करते हैं, ना किसी से पूछताछ कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो आदमी ड्रेस में नहीं है या वकील की ड्रेस में नहीं है उसी को रोकते हैं कि आप उस गेट नंबर एक से आएँ या दूसरे गेट से आएँ, अदरवाइज़ काला कोट पैंट पहन के कोई भी अंदर आ सकता है। गांधीनगर पुलिस की क्रैक टीम ने ATM क्लोनिंग करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 155 से ज़्यादा ATM और डेबिट कार्ड बरामद किए हैं, जो लगभग 150 से ज़्यादा घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। लगभग 50 लाख कैश ये लोगों से ठग चुके हैं। क्रैक टीम ने इनके पास से स्कूटी बरामद कर ली है। दोनों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है। नीट काउंसलिंग को लेकर पिछले काफ़ी दिनों से GTB और एबास अस्पताल में रेसिडेंट्स डॉक्टर्स द्वारा हड़ताल की जा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले मरीजों को इलाज के लिए काफ़ी दिनों तक परेशानियाँ उठानी पड़ रही थीं। हालांकि शुक्रवार को हड़ताल वापस ले ली गई थी, लेकिन डॉक्टर्स पूरी तरह से ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। लेकिन आज से डॉक्टर्स ने OPD और इमरजेंसी दोनों ही जगह पर अपनी ड्यूटी संभाली है। मरीजों का फिर से इलाज सुचारू रूप से मिल रहा है। जब परेशानी थी पर इतनी ये नहीं कि डॉक्टर ना देखें, देख रहे थे, कम डॉक्टर बैठे थे। OPD में पुराने पर्चों का इलाज चल रहा था हड़ताल के टाइम पे, नहीं देखे जा रहे थे। अब नए और पुराने दोनों देखे जा रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, इमरजेंसी चल रही है। नहीं, डॉक्टर तो देखो पूरा डॉक्टर तो नहीं आ रहा, परंतु मरीज को परेशानी नहीं है। दिक्कत तो यही है कि अपने जो बीमारी के लिए आदमी जो है आदमी दूर से आ रहा परेशान होने के, परेशान होकर, और अब जो परेशानी हो रही है उसे यहाँ आके देखता है कि भाई यहाँ OPD बंद है, वापसी घर जाना पड़ता है, किराया भाड़ा लगा के आ रहा है इतनी दूर से आदमी, और अब बेचारा परेशान होकर वापसी जाना पड़ रहा है। लेकिन अब दो कोई दिक्कत नहीं है, OPD खुल गई है। वापस जाना पड़ता था, दवाई नहीं मिलती थी, अब ठीक है, दवाई मिल रही है, सब जो है सब चीज़ देख रहे हैं, सही दवाई दे रहे हैं। इमरजेंसी में भी मैडम सही है, कोई दिक्कत नहीं। पहले नए पर्चे नहीं बन रहे थे, पुराने से ही दवाई दे रहे थे, उसमें भी दिक्कत आ रही थी। तो हमें यहाँ आने में पड़ पड़ती नहीं मिलती, परेशानी हो जाती है दूर चल के आके। बाहर वालों की कोई सुनवाई नहीं है। मान लीजिए बाहर का आदमी रहा, उसके लिए हमें 11 बजे तक का पर्ची का टाइम होना चाहिए। लोकल को चाहिए 6 बजे भेज दे, कोई दिक्कत नहीं। पेशेंट आकर जा रहे थे वापस ड्रेसिंग के, हम भी आए थे, ड्रेसिंग नहीं हो पाई यहाँ से, फिर वापस जाना पड़ा। दो बार आए थे ड्रेसिंग के लिए बच्चे की, तो ड्रेसिंग हो नहीं पाई थी, तो मैं वापस जाना पड़ा था। प्रॉब्लम तो आती है स्ट्राइक से। नहीं, सारे डॉक्टर मिले हैं, डॉक्टर ने सब ने देखा, कोऑपरेट किया है। एक और चीज़ उन्होंने स्टार्ट किया है, ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन भी आप निकाल सकते हैं, OPD का रजिस्ट्रेशन भी है। बहुत परेशानी थी, कोई डॉक्टर नहीं सुन रहा था। हाँ, मरीज वापस जा रहे थे, अब तो थोड़ी राहत है। OPD में ऐसा ही हो रहा था, धक्का मुक्की चल रही थी, ढलकार देते चौकीदार बिल्कुल भी। 15 नंबर में जो नीचे हड्डी वाले हैं उसमें, जब हम आए ही ना थे, आज ही आए हम तो। 15 दिन हो गए जब आए, दवा 15 दिन की मिल गई, जब दिखा भी लिए दिमाग वाले डॉक्टर का। नहीं, पर भीड़ तो है ही, लेकिन इतनी भीड़ नहीं है जितना पहले रहती, जितना अब तो ज्यादा भीड़ नहीं है जितना पहले रहती रही। सर्दियों की शुरुआत होते ही सड़कों पर रहने वाले लोगों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जाने वाले शेल्टर होम्स में लोगों की संख्या में इजाफा होने लगता है। आपको बता दें, जैसे जैसे दिल्ली में रात के समय में तापमान गिरने लगा है और ठंड बढ़ने लगी है, तो बेघर लोग शेल्टर होम का रुख करने लगे हैं। वहीं जब हमने शेल्टर होम का जायजा लिया तो ये पाया कि कुछ कमियों के साथ ये शेल्टर होम चल रहे हैं। यहाँ खाने की और सोने की सुविधा तो है, लेकिन नहाने के लिए कोई व्यवस्था ठीक से नहीं की गई है, जिससे लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। काम ये होटल पे कर लेते हैं, पानी है, लैट्रिन बाथरूम है और कम्बल अम्बल है, ठंड नहीं लगती, पंखे, बस कमी ये पूरी हो गई। सही है, बहुत बढ़िया कर रही है केजरीवाल जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं साहब। अभी तो 5-7 नाइट में 13-14 कम्बल बढ़ाए गए हैं, बेड लगे हैं, गद्दे आए हैं, पानी हमारा दोनों टाइम टैंकर आती है। हाँ, सर्दियों में अब लोग ज़्यादा आएंगे, अब बढ़ना चालू हो जाएंगे। हाँ, इसके लिए हमारा टेंट लगा है, जो प्लस होंगे तो इसमें लगा देते हैं सब। अभी हमारा 14-15 का तो हम लोग लेके चलते हैं, वैसे 4-5 नाइट में बढ़ जाते हैं अभी फिलहाल। हम तो जी यहाँ से बहुत ज़्यादा संतुष्ट है जी, सुविधाएँ जी पूरी है, जैसे बिस्तरा हो गया, मंजा हो गया, कम्बल हो गए, उसके बाद देखो पानी तो आता ही है दोनों टाइम, रोटी पानी भी मिल जाता है दोनों टाइम, दोपहर के भी शाम के भी, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है जी, रोटी पानी का सारा कुछ यहाँ मिलता है जी। हाँ जी, दवा जी हमें यहाँ खुद देने आते हैं जी डॉक्टर लोग। अच्छा। हाँ जी, दिल्ली की तीनों निगमों के कर्मचारियों को समय पर उनका वेतन नहीं मिल पाने की वजह से निगम के कर्मचारी एक बार फिर से हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसे लेकर आप तीनों निगम
पर हमला बोल रही है। वहीं ईस्ट एम सिटी के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि दिल्ली सरकार ने हमको ठीक से पैसा नहीं दिया, जिससे हम लोग कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे पा रहे हैं। अगला अगर हड़ताल होती है तो इसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार होगी। पूरी दिल्ली नगर निगम आर्थिक संकट से जूझ रही है और ये आर्थिक संकट हुआ नहीं है, इसको लाया गया है और इसको जानबूझ के लाने वाली दिल्ली सरकार है। जो हमारा फंड बकाया है वो उसको देती नहीं है, दे नहीं रही है। केवल हमने प्रोटेस्ट भी किया है, बातचीत भी किया है, पत्र भी लिखे हैं, यहाँ तक कि मैं दोबारा एलजी महोदय से ही मिला हूँ। तो मैं तो पूरी तरह जिम्मेदार वही है। हमारे टीचर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे बहुत से कर्मचारी परेशान हैं, उनको तीन तीन महीने से तनख्वाह नहीं मिली। दिल्ली सरकार को समझना चाहिए, जैसे वो खाना खाते हैं सबको खाना खाने का हक है, सबको अपने बच्चों का फीस देने का हक है, सबको अपने बच्चों के लिए अगर दवाई की व्यवस्था दवाई देने का हक है। पता नहीं क्यों कैसे ये लोग हो गए हैं जिनको बिल्कुल भी, चाहे टीचर्स हों चाहे डॉक्टर्स हों, इनके ऊपर दया नहीं आती दिल्ली सरकार को, जो हमारे टीचर्स पर दया करनी चाहिए हमारे। और ये अपना हक मांग रहे हैं, दया मैंने गलत बोल दिया, ये अपना हक मांग रहे हैं। ये पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, कोरोना काल में राशन बांटना, सबकी देखभाल करना, ऐसे इन लोगों ने काम किए जो ऐतिहासिक काम थे, अपनी जान जोखिम में डाल के इन्होंने सभी काम किए हैं। ऐसे में इनकी तनख्वाह होना, इनको परेशान करना, दिल्ली सरकार को इन कामों से बचना चाहिए, लेकिन इसको बढ़ावा दे रही है। आज हमारे टीचर परेशान है और आने वाले समय में इनको ये सबक जरूर सिखाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। निगम क्षेत्र में 3 शराब के ठेके और 8 अन्य दुकानों को सील किया है। महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा कार्रवाई करते हुए सी ब्लॉक, डीडी मार्केट, दिलशाद गार्डन, एफ पॉकेट, जीटी विनक्लेव में 3 शराब के ठेकों को सील कर दिया गया है। साथ ही कहा कि साइट का निरीक्षण कराया गया और अवैध निर्माण संबंधी अनियमितताओं के चलते ठेकों को सील किया गया। स्थायी समिति का अध्यक्ष वीर सिंह पवार ने कहा कि क्षेत्र में अवैध रूप से खुल रहे शराब के ठेकों को लेकर निगम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है। अनियमितताएं पाने पर शराब के ठेकों को तुरंत सील कर दिया जाएगा। पूर्वी दिल्ली के जनता, युवा, महिलाएं नशे में ना डूबे, इसको बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि दिल्ली के हर युवा को, महिलाओं को हम नशे में डुबो दें, वो जो विकास की बातें करना भूल जाएं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने फैसला लिया है कि जितने भी ठेके अवैध रूप से खुलेंगे, जिनमें कोई नियमों का उल्लंघन होगा, उसको हम बंद करवाएंगे। फिर दिल्ली में 850 ठेके और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 200 के आसपास ठेके खोलने का निर्णय लिया है। उसके तहत हमने कार्रवाई करते हुए 65 ठेकों को हम नोटिस दे चुके हैं और जहाँ पर अनियमितता पाई गई, आज 2 ठेकों को हमने बंद किया है। बाकी लोगों को हमने जवाब देने के लिए कहा गया है, यदि हमें 3 दिन के अंदर जवाब नहीं मिला तो उन ठेकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आज दिलशाद गार्डन में 2 ठेकों को सील किया गया। बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन हो वो एक बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा कन्वे चार्ज जमा ना किया, हाउस टैक्स जमा ना किया गया हो, तो इस जो अनियमितता हैं वो अनियमितता पाई जाएगी तो हम एक्शन लेंगे। हम एक्शन मोड पे हैं, हम चाहते हैं कि ठेके कम से कम खुलें। इबास अस्पताल की पार्किंग पिछले काफ़ी लंबे समय से सड़क का एक हिस्सा टूटा पड़ा है, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि सुबह के समय यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, जिससे यहाँ जगह कम पड़ जाती है। अगर ये हिस्सा बन जाता है तो जगह बढ़ जाती है, साथ ही रात के समय यहाँ अंधेरे में कोई हादसे होने की संभावना बनी रहती है। लोगों का कहना है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस समस्या को ठीक कराए। यहाँ पर गाड़ी लगाने की दिक्कत है, कहाँ गाड़ी लगेगी, साथ में हादसा हो सकता है। डिपार्टमेंट किसी को रिपेयरिंग कराना चाहिए, कराना चाहिए, रिपेयरिंग कराएगा ना। हाँ, इसमें दिक्कत है, एक तो ये साइड में बाउंड्री भी नहीं बना रखी है, कोई भी आएगा गिर जाएगा, स्कूटी वाला एक्सीडेंट हो सकता है इससे। ये इसको सही कराना चाहिए गवर्नमेंट को। लोग रात को भी आते हैं, सुबह भी आते हैं जल्दी 5 बजे नंबर लगाने के लिए। इसके लिए मैं यही कहूँगा, देखो आप भी देख रहे हैं यहाँ पर पार्किंग है, पार्किंग एरिया में तो गड्ढा काफ़ी नुकसानदायक है, कोई भी आके गिर सकता है इसमें। फोगिंग वगैरह की भी प्रॉब्लम है, नहीं दिखाई दिया किसी को, तो इसमें एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो इसके लिए शाम का तो मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ पे अभी ट्रीटमेंट, फादर के ट्रीटमेंट के लिए आया था, बाकी शाम में मैं कभी आया नहीं, लेकिन मॉर्निंग में हम 7 बजे से यहाँ पे अवेलेबल है, तो उस समय फोगिंग भी थी, तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ा। इवास अस्पताल के सरकारी सप्लाई की दवाई एक प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर बेचे जाने का मामला सामने आया है, जबकि दवाई अस्पताल की तरफ से मरीजों को 3 महीने से आउट ऑफ स्टॉक बताई जा रही है। इबास के डायरेक्टर से हमारी टीम बात करने गई तो वो नहीं मिले, साथ ही मेडिकल स्टोर वाला ताला लगाकर भाग गया है, उसको ढूंढा जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है और इस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है।
बहुत देर इंतजार करने के बाद यहाँ पर आई मैं लेने दवाई संजीवनी मेडिकल पे। इन्होंने कहा कि ये दवाई लेनी है कि जी हाँ, कि आप 10 मिनट बैठ जाओगे 10-15 मिनट। मैंने कहा जी हाँ 10-15 मिनट बैठ जाएंगे। कहने लगे ठीक है। एक लड़का दवाई लेकर के आया जिस थैले में 2 डिब्बे थे और उसने मुझे एक डिब्बा दिया। कहने लगा ये 1600 रुपए की है। उन्होंने मुझे बिल देने से इनकार कर दिया। कहने लगा हम बिल नहीं देंगे। मैंने कहा उस पर देखा तो उस पर ना तो MRP थी और नोट फोर्स सेल लिखा हुआ था उसके पास। मैंने कहा तो हिबास की दवाई है ये। देखिए जिस तरीके से मैं एक परेशान हो रही हूँ, 200-200 किलोमीटर से दूरी से मैं आ रही हूँ, मेरी भी और बहन भाई ऐसे ही होंगे जो 200-200, 300-500 किलोमीटर से आ रहे हैं और वो इस दवाई को गरीबी की वजह से लेने आ रहे हैं और वो दवाई उन्हें मिल नहीं रही और मेडिकलों पर वो सप्लाई हो रही है मेडिकल उस पर। मैं तो ये चाहती हूँ कि सबका भला हो और मुझे तो इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहता। शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ दिल्ली के मंडावली थाने में FIR दर्ज की गई। आरोप है कि एक निजी मराठी चैनल को दिए इंटरव्यू में सांसद संजय राउत ने BJP कार्यकर्ताओं के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद BJP महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत भारद्वाज ने मामले की शिकायत मंडावली थाने में की। दीप्ति ने आरोप लगाया है कि उनकी टिप्पणी से BJP कार्यकर्ता अपमानित महसूस कर रहे हैं। अपनी शिकायत में दीप्ति की ओर से इंटरव्यू की प्रति भी पुलिस को सौंपी गई थी। जांच के बाद पुलिस ने रविवार को इस संबंध में IPC की धारा 500 और 509 का मामला दर्ज कर लिया है। मंडावली थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दीप्ति रावत भारद्वाज ने बताया कि गुरुवार को वे एक निजी मराठी चैनल देख रही थी, उस पर शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत का इंटरव्यू चल रहा था। अपने इंटरव्यू के दौरान शिवसेना सांसद ने BJP कार्यकर्ताओं के खिलाफ चैनल पर खुलेआम अभद्र टिप्पणी की। इंटरव्यू देखकर उनकी भावनाएं आहत हुईं। इसके अलावा सभी BJP कार्यकर्ता अपमानित हुए। मामले को गंभीरता से लेते हुए दीप्ति ने फौरन इसकी लिखित में शिकायत मंडावली थाने में दी है। देखिए संजय राउत ने जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए, और मैं कहूंगी कि कार्यकर्ताओं में हमारी महिला कार्यकर्ता भी आती हैं, उनके लिए अभद्र टिप्पणी और बेहद अभद्र, जिसको कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं न सुन सकते हैं, और ऐसे जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए व्यक्ति से कोई भी उम्मीद नहीं करता है कि वो इस तरीके की टिप्पणी खुलेआम सरेआम करेंगे, TV चैनल्स के ऊपर करेंगे। और ये टिप्पणी सबके सामने आई है, सबने देखी है, इसके ऊपर हमने शिकायत दर्ज कराई और शिकायत दर्ज कराने के बाद दिल्ली पुलिस ने हमें इस पर FIR हमारी लॉन्च की है। और हम चाहते हैं कि संजय राउत इस विषय पे माफ़ी मांगे, महिला मोर्चा से माफ़ी मांगे, भारतीय जनता पार्टी से माफ़ी मांगे, इस देश की महिलाओं से माफ़ी मांगे जिनके सामने उन्होंने इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। और पूर्व दिल्ली का अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN Live को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।